हेलो स्टूडेंट्स, आज साइकोलॉजी की अपनी 10th क्लास में हम स्टडी करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इनसाइट थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट या गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। गेस्टाल्ट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि गेस्टाल्ट का मतलब होता है कंप्लीट देखना, व्यू को, छोटे मोटे पार्ट को नहीं, पूरे पार्ट को देखना। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल देखेंगे जो कोलर एक्सपेरिमेंट है चिंपैंजी के ऊपर, जो इनसाइट थ्योरी को दिखाता है। कल की वीडियो में हमने ट्रायल एंड एरर थ्योरी देखी थी, जिसमें आप रैंडमली ट्राई करते हैं और कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल हो जाते हो, जबकि कोलर एक्सपेरिमेंट जो था वो इनसाइट के ऊपर बेस था, यानी आप प्रैक्टिस करते करते कुछ ऐसा स्टेप करते हो जो आपकी प्रीवियस नॉलेज के ऊपर, आपके इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक चिंपैंजी है और उसके पास कुछ केले लटका रखे हैं जो उसके लिए मोटिवेशन है, प्राइज है। तो यहाँ पर उसके पास काफ़ी सारे बॉक्सेज हैं, स्टिक्स हैं, इन सबको यूज़ ना करते हुए फर्स्ट पिक्चर में वो अपने हाथों से उठाने की कोशिश कर रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी पकड़ में बनानास नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर में वो बॉक्स के ऊपर खड़े होकर ले रहा है बनानास को, फिर वो अपने आसपास पड़ी स्टिक्स को देखता है और स्टिक्स को ज्वाइन करके बनानास तक पहुँच जाता है। तो इस तरह उसने कम्प्लीट लर्निंग की मंकी ने, चिंपैंजी ने, और इस तरह इसे इनसाइट लर्निंग कहते हैं। तो इनसाइट थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट या इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग या गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग के जन्मदाता वर्देमेर को कहा जाता है। और गेस्टाल्ट का मतलब है होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट, यानी जो लर्निंग है वो पूरे कंप्लीट पार्ट को देखकर की जाती है, उसके किसी एक हिस्से को देखकर नहीं। तो गेस्टाल्ट थ्योरी के जन्मदाता हैं वर्देमेर, और इसमें इनका योगदान दिया था कोलर एंड कोफ्का ने। इसके ऊपर इन्होंने 1913 से 1917 के बीच बर्लिन यूनिवर्सिटी में सुल्ताना चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट कोलर द्वारा किया गया था और इसलिए कोलर को इनसाइट थ्योरी के फादर ऑफ इनसाइट थ्योरी या उनका जन्मदाता कहा जाता है। तो पिछली जो डायग्राम हमने देखा था, सुल्ताना चिंपैंजी की फ़ोटो आपने देखी थी, वो एक्सपेरिमेंट कोलर ने किया था इनसाइट थ्योरी के बारे में बताने के लिए। आइए देखते हैं इनसाइट का मतलब क्या होता है। इनसाइट का मतलब होता है बत्ती जल जाना, यानी एकदम से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके सामने आ जाता है तो उसे हम इनसाइट कहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसको सीखने में कम समय लगता है और ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स के लिए बहुत यूज़फुल है। कई बार आपके सामने सॉल्यूशंस होते हैं लेकिन आप उन सॉल्यूशन तक पहुंच नहीं पाते हो, आप किसी पॉइंट पर अटक जाते हो और एकदम से आपको आइडिया आता है, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। तो जो एकदम से आपको आइडिया आया है वही आपका इनसाइट है। ट्रायल एंड एरर और इनसाइट में डिफरेंस है कि इनसाइट में आपकी इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ है, जबकि ट्रायल एंड एरर में आपके जो एफर्ट्स हैं उनका इफ़ेक्ट आया है। लेकिन इनसाइट थ्योरी की लिमिटेशन है कि ये छोटे बच्चों के लिए और एनिमल्स के लिए यूज़फुल नहीं है, इससे वो लोग इतना आसानी से नहीं सीख सकते हैं। छोटे बच्चे इनसाइट थ्योरी से नहीं सीखते, वह ट्रायल एंड एरर से और रटाफिकेशन से सीखते हैं। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो इसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, और एज अ टीचर आप इंटीग्रेटेड करिकुलम रखते हैं, क्योंकि ये गेस्टाल्ट थ्योरी है तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं, सभी सब्जेक्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं एक क्लास के। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम गेस्टाल्ट थ्योरी को फॉलो करता है। अगला पॉइंट जिसमें ध्यान रखने लायक है वो है कि इसमें प्रॉब्लम एज अ होल ध्यान में रखी जाती है। जैसे आप बच्चे के सामने पूरा सेंटेंस रखते हो, पहले सेंटेंस उन्हें सिखाते हो और फिर उसके पार्ट्स के ऊपर उसको डिटेल में बताते हैं। जैसे आप बच्चों को पहले पूरा हिंदी लैंग्वेज पढ़ना सिखाते हो और फिर उसके अंदर ग्रामेटिकली जाते हो कि ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये नाउन्स हैं, ये उनके रूल्स हैं ग्रामर के, तो पहले आप उसको कंप्लीट चीज़ें पढ़ा रहे हो और फिर उनकी डिटेल के ऊपर जा रहे हैं। ऐसे ही साइंस में आप जब पूरा ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन स्केलेटन बच्चों को सिखाते हो और फिर उनके इंडिविजुअल वर्किंग के ऊपर जाते हैं। थर्ड है कि चाइल्ड एज अ होल इसमें ध्यान में रखा जाता है, यानी बच्चे को भी आप एक पर्टिकुलर मैथ्स का स्टूडेंट या हिंदी का स्टूडेंट नहीं समझते हो, आपको ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो और उसकी होल पर्सनैलिटी को देखते हुए ही लर्निंग करवाई जाती है। इसके साथ ही मोटिवेशन भी ज़रूरी है। जैसे चिंपैंजी वाले में उसके लिए मोटिवेशन था वो बनानास, अगर वहाँ बनानास नहीं होते तो वो चिंपैंजी, सुल्ताना चिंपैंजी, अपनी जगह बैठे रहता और उन छड़ियों से खेलता रहता, वो मोटिवेट नहीं होता उस बनानास तक पहुँचने के लिए। वैसे ही स्टूडेंट्स को भी लर्निंग में मोटिवेशन ज़रूरी है। मोटिवेशन शॉर्ट टर्म का भी आप रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म का भी रख सकते हैं, हर इंडिविजुअल के बेसिस पर लर्निंग के लिए मोटिवेशन होना चाहिए। इसके साथ ही यह ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इम्पॉर्टेंट है। इनसाइट थ्योरी का मतलब है कि जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है, जो सुना हुआ है, जो देखा हुआ है, जो फील किया है, उसी को आप नई सिचुएशन में यूज़ कर रहे हो। ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो रही है।
आप कहते हो कि हमने तुक्का मारा एग्ज़ाम में, वो एग्जैक्टली तुक्का नहीं होता, वो आपने जो पहले पढ़ी हुई चीज़ें होती हैं, समझी हुई चीज़ें होती हैं, वो आपके माइंड में कहीं स्टोर्ड होती हैं और वहीं से वो ट्रांसफ़र होती हैं। इसके साथ ही इनसाइट थियरी स्पून फीडिंग के ऊपर या क्रैमिंग के ऊपर, रटिफिकेशन पे जोर नहीं देती है, इंटेलिजेंट लर्निंग पे जोर देती है और किसी भी तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इमर्ज हुई थी जर्मनी में 20th century की स्टार्टिंग में। इसमें ट्रायो जो एसोसिएटेड थे वो है मार्क्स वर्दिमिर, कर्ट कोफ्का एंड वोल्फगैंग कोहलर। वर्दिमिर को हम फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी या फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज मैक्स वर्दिमिर। ये एक्सपेरिमेंट है जो सुल्ताना चिंपैंजी के ऊपर किया गया था, आप वीडियो पॉज करके इसे स्टडी कर सकते हैं। मैक्स वर्दिमिर, फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, बॉर्न ऑन April 15, 1880 एंड डाइड ऑन October 12, 1943, ये साइकोलॉजिस्ट थे और फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहलाते हैं। सेकेंड है वोल्फगैंग कोहलर, जो इनसाइट थियोरी के ऊपर इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए थे। फिर हैं कर्ट कोफ्का, जो साइकोलॉजिस्ट हैं और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में ही एक फाउंडर को फाउंडर कहलाते हैं। तो इन वीडियोस को आप अच्छे से स्टडी कीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।